नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो देहात एरिया में कृषि कार्य इसमें काफ़ी तेज़ी पर है। हम आपको ये जानकारी इसलिए देना चाहते हैं कि इस समय जो खेतों में कृषि कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन किसानों की एक बड़ी समस्या है, वह यह है। पहली बात तो डीजल बहुत महंगा है, जिसकी वजह से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो ये गेहूं और आलू की बुवाई का जो कार्य चल रहा है, इसमें DAP खाद जो है, जिसकी इसमें बहुत मारामारी है। ये केवल जनपद उन्नाव की बात ही नहीं है, ये आपके उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जगहों की ये बात है कि DAP की वजह से लोगों की फसल काफ़ी विलम्ब हो रहा है बुआई में, और जो बुआई हो चुकी है उस फसल की सिंचाई भी हो रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो फसल पहले लोगों ने बो दी है उसकी सिंचाई हो रही है, और कुछ फसल ऐसी है जहां पर अभी तक ज़मीन से निकल कर बाहर नहीं आई है। आप देख सकते हैं मेरे सामने खेतों में किस तरह की गेहूं की फसल काफ़ी विलम्ब से बोई गई है, जो अभी तक वह उग कर बाहर नहीं आ सकी है। विलम्ब होने का सबसे पहला कारण यही है कि खाद और बीज की उपलब्धता जो है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। किसान जो है सबसे ज़्यादा खाद और बीज की वजह से परेशान हैं। लगातार मारामारी चल रही है, कई कई दिन तक लोग लाइन में लगे रह रहे हैं और उनको समुचित रूप से खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि फसल दोगुनी होगी, लेकिन दोगुनी किस तरह से होगी, क्या कोई कमेंट करके बताएगा कि इस तरह की जो दिक्कतें हैं इनसे किसानों को मुक्ति कब मिल सकती है। जो खाद बीज की जो दिक्कतें हैं इनके संदर्भ में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आलू की फसल जो बोई गई है, और इस समय ज़्यादातर पहले आलू की बुवाई हो जाती थी, इस बार बारिश देर तक बारिश होने की वजह से आलू की बुवाई में काफ़ी विलम्ब हुआ है। और विलम्ब का दूसरा कारण यह भी है कि खाद बीज समय पर ना उपलब्ध हो पाना भी एक कारण माना जा रहा है, जो किसानों के द्वारा बताया गया है कि खाद बीज की उपलब्धता जो है वो समय पर समुचित रूप से नहीं हो पा रही, चाहे वो जनपद उन्नाव हो या लखनऊ, कानपुर, कोई भी जनपद, उत्तर प्रदेश का जनपद, सभी जनपदों से यही जानकारी हो रही है कि खाद बीज की उपलब्धता कम होने के कारण से किसानों की बुवाई में, गेहूँ की बुवाई में काफ़ी देर हो रही है।